हे गाइस वेलकम बैक। आज हम लोग फिर से नॉस्टैल्जिक टाइम में जाने वाले, यानी कि उस पुराने टाइम में जहाँ पे हम लोग पुराने कार्टून्स या एनिमेस देखा करते थे। एंड आज हम लोग उन्हीं एनिमेस और कार्टून्स की लास्ट एपिसोड को डिस्कस करने वाले। इस लिस्ट के अंदर बहुत सारे कार्टून्स एंड एनिमेस है, और इसमें से कौन सा आपका फेवरेट है ये भी मुझे कमेंट्स में पक्का बोलना। तो बेसिकली मैंने इस लिस्ट में 10 ऐसे शोज को रखा है जो हम लोग के चाइल्डहुड में बहुत फेवरेट हुआ करते हैं, तो उसके लास्ट एपिसोड हम लोग इस वीडियो के अंदर जानने वाले। सो या गाइस वीडियो पे एंड तक बने रहना। एंड अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, एंड अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो देन बी श्योर टू सब्सक्राइब इट मैन। सो या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपना फर्स्ट शो है डोरेमोन। इसको डोरेमोन बोलो या डोरेमोन, दोनों ही इसका प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जो जापानीज प्रोनाउंसिएशन है वो डोरेमोन है। ओके देन, डोरेमोन का जो लास्ट एपिसोड था तो उसके अंदर यहाँ पे दो एंडिंग्स हम लोग को दिखाई गई है। एक एंडिंग जो 2005 में आई थी, वो एंडिंग बहुत ही अजीब टाइप की एंडिंग थी, और मेरे ख्याल से ये एंडिंग हम लोगों ने पोकेमोन के अंदर भी बहुत सारे फैन फिक्शंस में देखा है। तो सभी को याद होगा ऐश का कोमा थ्योरी, तो उसी तरीके से हम लोग को डोरेमोन के अंदर भी नोबिता का भी कोमा थ्योरी को शो किया गया था कि नोबिता भी कोमा में है, लेकिन उसका जो इमेजिनेशन है वो जो उसका रॉबर्ट फ्रेंड डोरेमोन है वो बिल्कुल उसकी इमेजिनेशन थी, एंड वो जिस बीमारी से सफर कर रहा था उसी कारण की इमेजिनेशन काम कर रही थी। लेकिन इस एंडिंग को बहुत ही हेट मिला, एंड एक्चुअली में हेट मिलना भी चाहिए, बिकॉज ये एंडिंग कोई भी फैन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बिकॉज ये डोरेमोन को हम लोग बहुत सालों से दिखते आ रहे हैं, एंड कुछ ऐसी एंडिंग बहुत खराब रहेगी। दैट्स वाई यहाँ पे डोरेमोन का ये एंडिंग किसी को भी पसंद नहीं आई। एंड 2005 के बाद इस एंडिंग को फिर चेंज कर दिया गया, एंड जो स्टैंड बाय मी जो सभी ने देखा था तो वो इसकी परफेक्ट एंडिंग थी। तो स्टैंड बाय मी की एंडिंग को हम लोग को रियल एंडिंग मानना होगा, एंड एक्चुअली में वही एक रियल एंडिंग है, बिकॉज वहाँ पर डोरेमोन वापस चले जाते हैं फ्यूचर में, एंड फिर वो वापस आ जाता है उसके गैजेट के कारण जो नोबिता ने एक परफेक्ट टाइम पे यूज़ कर लिया था। एंड उसके बाद इन फ्यूचर सभी को पता है क्या होता है, नोबिता मैरी करते हैं शिज़ुका से। लेकिन फुजिको एफ फुजियो जो फर्स्ट एंडिंग बना रहे थे, जो मैं लिस्ट के अंदर पहले ही मेंशन किया है, तो उस एंडिंग के अंदर जो अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इस कारण से उस एंडिंग को ड्रॉप करना पड़ा, एंड ऑडियंस के हिसाब से एक अलग एंडिंग प्रेजेंट किया गया। एंड लेट्स सी हम लोग को स्टैंड बाय मी 2 के अंदर क्या एंडिंग देखने को मिल सकता है। नाउ लेट्स हेड ऑन टू आर सेकेंड शो जो है टीन टाइटन्स। टीन टाइटन्स भी एक यादगार शो था, उसके अंदर भी बहुत सारी क्रेजीनेस देखने को मिलती थी, एंड खास की बीस्ट बॉय। लेकिन जब एंडिंग आया टीन टाइटन्स का, मतलब लास्ट एपिसोड, तो उस एपिसोड से एक एपिसोड पहले टीन टाइटन्स के सभी जो मेंबर्स थे वो वापस से मिले, एंड उस वक्त टीन टाइटन्स आई एंड टीन दे बिकम एडल्ट। तो एडल्ट बनने के बाद टीन टाइटन्स अब फिर से जंप सिटी के अंदर वापस आ रहे थे। लेकिन जब वो लोग जंप सिटी के अंदर पहुंचे तो जंप सिटी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत ही ड्रास्टिक चेंज, यानी कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि जंप सिटी बिल्कुल ही बदल गया, मतलब क्या से क्या हो गया जंप सिटी को। और अगर तुम लोगों ने टीन टाइटन्स देखा होगा तो एक चीज़ पक्का नोटिस किया होगा कि टीन टाइटन्स का जो मेंबर है बीस्ट बॉय, वो हमेशा जाता था टेरा के स्टैचू के पास। लेकिन जब इस बार बीस्ट बॉय पहुंचा टेरा के स्टैचू के पास, तो वहाँ पर टेरा का स्टैचू नहीं था, एंड बीस्ट बॉय भी काइंड ऑफ वहाँ पर शॉक हो गया था कि आखिरकार टेरा का स्टैचू क्या हो गया। लेकिन खुशी की बात ये थी कि टेरा अब स्टैचू के फॉर्म में नहीं थी, उसका स्टैचू का फॉर्म अब जा चुका था, एंड करेंटली वो एक स्टूडेंट थी एक स्कूल के अंदर। तो वो देख के बीस्ट बॉय बहुत खुश हुआ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी वहाँ पे कि टेरा का जो मेमोरी है वो बीस्ट बॉय के साथ बिल्कुल ही फेड हो गया, यानी कि मेमोरी रहा ही नहीं। लेकिन फिर भी मेमोरी ना रहने के बाद भी बीस्ट बॉय एंड टेरा लास्ट में जाके अच्छे फ्रेंड बन गए। तो बेसिकली टीन टाइटन्स के लास्ट एपिसोड के अंदर यही हुआ था। अगला शो है पोकेमोन। तो ऑफकोर्स पोकेमोन की ऑफिशियल एंडिंग किसी को भी नहीं पता है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल एंडिंग रिलीज नहीं हुई थी, लेकिन अभी तक बहुत सारे फैन फिक्शंस है कि कैसे पोकेमोन एंड हो सकते हैं। तो ऑफकोर्स यहाँ पे फर्स्ट जो पॉइंट है वो है ऐश का ड्रीम पूरा हो जाना, यानी ऐश पोकेमोन मास्टर बन गया, उसके बाद पोकेमोन की जो पूरी फ्रेंचाइज है वो खत्म हो सकती है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ऐश का जर्नी है वो ऐश के नेक्स्ट जो जनरेशन है वो कैरी ऑन करे। तो ऐसा भी एक कंक्लूजन हो सकता है कि पोकेमोन के लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा शो कर दिया जाए कि ऐश का नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरा कैरी ऑन करे ये पूरी जर्नी को, या फिर गो एक कैरेक्टर आया है अभी लेकिन बहुत हेट मिल रहा है उसको, वो अगर कैरी ऑन करेगा जर्नी को तो मुझे नहीं लगता कि पोकेमोन कंपनी आगे यहाँ पर चलने वाली है, बिकॉज जो मैच्योरिटी चाहिए वो गो के अंदर दिख नहीं रहा है। वैसे तो पोकेमोन के अंदर बहुत सारे और फैन फिक्शंस है, लेकिन ये जो दो फैन फिक्शन है ये सबसे मेजर पॉइंट्स है। अगला शो है टॉम एंड जेरी, मतलब एक और लेजेंडरी शो जो किसने नहीं देखा होगा, मतलब अगर तुमने नहीं देखा है तो फिर तुम क्या ही कर रहे हो। और एक्चुअल में इस शो का भी एंडिंग है, एंड एक परफेक्ट एंडिंग है, पर इसको परफेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ एक एंडिंग तो है इस शो के अंदर भी, लेकिन थोड़ा सा वियर्ड एंडिंग है, बिकॉज टॉम एंड जेरी दोनों ही सुसाइड कर रहे थे। वेल फॉर वॉट, बिकॉज दे क्रश इग्नोर्ड देम,
वेल इस कहानी से वो लोग सुसाइड कर लेते हैं एंड एक्चुअली यही उसकी एंडिंग है टॉम एंड जेरी की पूरे शो की। मतलब एक लेजेंडरी शो जिसने हम लोगों को बहुत हंसाया, बहुत ही एंटरटेन किया एंड उसकी एंडिंग कुछ इस तरीके से हुई। अगला शो है सिंचैन। एंड क्या एक्चुअली में सिंचैन की मौत हुई थी कार एक्सीडेंट में? एंड क्या उसकी मॉम डिप्रेस होकर ये स्टोरी लिखी है? देन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिथ है। एंड ये मिथ सिर्फ फैला एक फायरल यूट्यूब वीडियो के कारण, इसके अंदर ऐसा कहा गया था कि सिंचैन कार एक्सीडेंट में मरा है अपने बहन हिमावली को बचाने के चक्कर में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। एंड तुम कहीं भी क्वेरा पे सर्च करो या फिर कहीं पे भी सर्च करो, ये मिथ है। एंड इस मिथ को जो भी आगे बढ़ा रहा है देन यार क्या ही बोल सकते हो। हाँ एक्चुअली में ये फेक इन्फॉर्मेशन है एंड कोई भी ऐसे बोले कि ये सही इन्फॉर्मेशन तो बिलीव मत करना। एंड तुम एक बार खुद से रिसर्च करना इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन क्या सिंचैन का लास्ट एपिसोड कभी एयर हुआ है? देन नहीं, सिंचैन का लास्ट एपिसोड कभी भी एयर नहीं हुआ है एंड सिंचैन अभी भी एक ऑनगोइंग सीरीज है। नेक्स्ट शो है फिनियस एंड फर्ब एंड इसका थीम सॉन्ग जो सही में बहुत सही था एंड मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट शो में से फिनियस एंड फर्ब रहा है हमेशा के लिए। एंड जो इसकी मेन बात थी ना वो इसका थीम सॉन्ग है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इसके थीम सॉन्ग कारण ही इसका ये पूरा शो देखते थे एंड उनमें से मैं भी एक हूँ। तो बेसिकली इसका लास्ट एपिसोड भी एयर हुआ है एंड वो लास्ट एपिसोड था लास्ट डे ऑफ समर। तो जैसा कि सबको पता होगा फिनियस एंड फर्ब शो बेस्ड था समर वेकेशन के हॉलीडेज पे। तो कभी ना कभी समर वेकेशन जब शुरू हुई है तो ख़त्म भी तो पक्का हो गई ना। तो लास्ट डे ऑफ समर यही था इसका लास्ट एपिसोड। इस एपिसोड के अंदर अपने जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं तो फिनियस से इजाबेला तक सबको काउंट कर लो, कैंडेस, फर्ब, सब कुछ, उसकी जो पूरी क्रूमेट थी सभी कुछ को ऐड कर लो। एंड वो लोग सभी एक सर्कल में बैठ के डिस्कस कर रहे थे पूरे समर वेकेशन के रिकैप को, यानी उन लोगों ने क्या किया, कितने मजे आए एंड नेक्स्ट डे उन लोगों को समर वेकेशन फिर एंड हो रहा था। एंड ये डिस्कस करते करते ये पूरा जो उनका गार्डन था वो ऑर्केस्ट्रा में कन्वर्ट हो गया एंड एक कॉन्सर्ट हॉल जैसा तो क्रिएट हो गया। इसके अंदर फिनियस एंड फर्ब एक थीम सॉन्ग या फिर हम लोग एक बेसिकली सॉन्ग ही बोल सकते हैं। इस शो के अंदर बहुत सारे सॉन्ग्स हैं एंड इस सॉन्ग के अंदर जितने भी कुछ हुआ इस पूरे समर वेकेशन में उसका एक और बार सॉन्ग के थ्रू रिकैप हुआ। एंड जो पूरी जो मेमोरीज है ना, जितने भी तुमने एपिसोड देखे हैं पूरी मेमोरीज तुम्हारी फ्रेश हो जाएगी लास्ट एपिसोड देखने के बाद। अगला शो है किट्रेसू, एक चीनीज लड़का, उसकी तरह कौन नहीं बनना चाहता है। उसके लास्ट एपिसोड के अंदर उसका जो डायरी है जिसके कारण वो इन्वेंट कर पाता था नए नए अपने गैजेट्स को, तो वो चोरी हो गया एंड वो डिस्ट्रॉय हो गया। इस कारण से वो अपने टाइम मशीन में बैठ के वापस टाइम में गया। उसे टाइम मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई जिस कारण से वो उस वक्त में चला गया जब उसके दादाजी उसका वो डायरी लिख रहे थे एंड उस वक्त उसके दादाजी के जो हेल्थ थे वो बहुत ही खराब था। तो एक बहुत ही हार्ड डिसीजन उन्होंने लिया कि कौसु के रोबोट उसको वहीं पे छोड़ दिया ताकि वो देखभाल कर सके किट्रेसू के दादाजी के एंड वो पूरे डायरी को कंप्लीट कर सके। एंड उसके बाद वो लोग वापस आ गए, लेकिन लास्ट एपिसोड के अंदर किट्रेसू के पास सिर्फ अपना वो डायरी चला जाता है। लेकिन यहीं पे एक बहुत ही हर्ट वार्मिंग गुड बाय होती है किट्रेसू एंड कोसुके के बीच एंड यहीं पे ये एपिसोड एंड होता है। एंड यहीं तक किट्रेसू के जो पूरे सीजन है उसका बिल्कुल एंडिंग का एपिसोड बिल्कुल लास्ट एपिसोड। अगला शो है स्पॉन्जबॉब, एक और शो जो बहुत ही एंटरटेनिंग था एंड इसके अंदर जो लास्ट एपिसोड था उसका जो बेसिक फंडामेंटल था कि स्पॉन्जबॉब से सब लोग गुस्सा हो गए थे एंड जो एंड में क्या हुआ बस सिंपल से ये एपिसोड था। स्पॉन्जबॉब से पूरा जो इंटायर बिकनी बॉटम था वो लोग सभी दोस्त बन गए एंड एक बहुत ही अच्छे से हर्ट वार्मिंग तरीके से फिर से इस एपिसोड का भी एंडिंग हुआ। ये एपिसोड भी छोटा सा एपिसोड था बेसिक फंडामेंटल कार्टून्स का या फिर किसी एनिमे शो का, तो हाँ ऐसे ही हुआ इस एपिसोड के अंदर। अगला शो है परमैन, ये भी बहुत ही फेमस रहा है एंड इसके लास्ट एपिसोड के अंदर पाको अपना आइडेंटिटी रिवील करती है कि वही सुमेरो है एंड फिर सभी लोग वहाँ पे शॉक होते हैं, खास कि परमैन, क्या वही सुमेरो है एंड उसी को वो इतना चिढ़ाता था बिकॉज यू नो परमैन हैड अ क्रश ऑन सुमेरे। इसी तरीके से ये एपिसोड में थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न्स आया, बर्डमैन वहाँ पे आया कि पाको अपना आइडेंटिटी रिवील कर रही है एंड इन द एंड परमैन को एक ऑटोग्राफ मिला सुमेरे से एंड वहीं पे ये एपिसोड का फिर एंडिंग आता है। अगला शो है एंड इस लिस्ट का लास्ट शो है एडवेंचर टाइम, गंटर द पेंगुइन। एक पेंगुइन था बेसिकली, इस पेंगुइन को बहुत ही सब लोग टॉर्चर करते थे ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये जैसे ही क्राउन पहना ये ट्रांसफॉर्म हो गया आइस किंग में एंड पूरा जो इलाका है ये इसके अंदर में आ गया एंड इसके बाद से इसको कोई भी परेशान नहीं करता था एंड यही बेसिकली उस जगह का राजा बन चुका था। एंड उसके बाद जो नैरेटर एडवेंचर टाइम को सुना रहे थे उन्होंने इस एपिसोड का बिल्कुल एंड किया, यानी लास्ट में तुम नैरेटर का वॉइस सुन पाओगे। तो देखो किसी भी शो के एंडिंग में नैरेटर का वॉइस हम लोग कभी भी सुनने को नहीं मिलता है, लेकिन इस शो के एंडिंग में ऐसा हुआ, हम लोग को नैरेटर का वॉइस सुनाया गया एंड दैट वाज प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। एडवेंचर टाइम एक वक्त बहुत पॉपुलर हुआ करता था, भले ही ये इस वक्त उतना पॉपुलर ना हो ये फिर भी ये शो भी बहुत सही था।
सो ओके आई ट्राइड समथिंग डिफरेंट ऑन दिस वीडियो, तो मुझे लगता है इस वीडियो पे तुम लोग भी अच्छा खासा सपोर्ट दिखाओगे। तो हाँ, इस वीडियो को लाइक करना अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो, एंड पहली बार देख रहे हो इस चैनल को तो बी श्योर टू सब्सक्राइब इट मैन। और हर वीक कुछ ऐसे डिफरेंट कॉन्टेंट चाहिए तो मुझे कमेंट्स में पक्का बताना। सो या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, दिस इज इट, पोकेमॉन गैलेक्सी साइनिंग आउट।